अब देखना श्रीमद भगवत गीता, इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10। अब इसके अध्याय नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या बताया है श्रीमद् भगवद गीता, और इसके श्लोक नंबर हम 4 में देखते हैं, तीसरे अध्याय के गीता जी का, कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, यानी ये तो अपनी सोच निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि, यानी कोई सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके कार्य सिद्ध ना हो, सांख्य योग निष्ठा, ये नहीं। पांचवें में क्या कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में क्या कहा है, जो मूड मनुष्य, मूड बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी कहता है। यानी जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ने कहते वो बकवाद कर रहा है, वो तो अपने पता नहीं किस के सोचा है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई ऐसी कोई साधना करके सफल हुआ हो। आगे देखो सातवें में, वो तो पाखंडी कहा जाता है, किंतु ये अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, यानी काम करते करते और मन न रोक के बकवादा में ना ला के भक्ति करे, कर्म योग यानी काम करते करते साधना करना नॉन एज कर्म योग आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। आठवें में कहा है कि तू शास्त्र विहित सदग्रंथों में लिखे हुए भक्ति कर्म कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना, यानी हठ योग एक जगह बैठकर समाधिस्थ होने की अपेक्षा कर्म करना, यानी काम करते करते साधना करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, तेरा पेट कैसे पड़ेगा जब तू एक जगह बैठ कर हठ योग करता रहा। फिर नौमे में कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अत के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। कहते शास्त्र अनुकूल साधना छोड़कर अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो पाप होते हैं नरे, और उनके कारण फिर कर्मों के बंधन से बंधता चला जाता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी कर्ण योग्य शास्त्र अनुकूल साधना कर। आगे देखो अब दसवें में क्या कहा है कि शास्त्र विधि अनुकूल साधना करने वाले के विषय में कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्रों को साधना धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो, तुम्हें भी लाभ मिलेगा यथार्थ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला होगा शास्त्र अनुकूल साधना। ग्यारहवें में कहा है कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें, इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर बारहवें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा देव भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए, यानी शुभ कर्मों से प्राप्त शास्त्रों को साधना से प्राप्त धन का आगे फिर भक्ति में नहीं धर्म नहीं करता, तो बिना दिए ही तो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर ही है, सतेन है। अब फिर आगे निष्कर्ष बताता हूँ थोड़ा, फिर क्लियर करेंगे। तेरहवां है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग, यानी जो साधना नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, वे अपना शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में क्या स्पष्ट किया है,
यहां लिखा है, ये 14 और 15 इकट्ठा ही है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधनाओं से सही भक्ति कर्म बनते हैं, और कर्म समुदाय को तू, कर्म को तू ब्रह्म हो उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, उद्भव माने उत्पन्न। यहां लिखना था ये कर्म, हम काल के लोक में ब्रह्म के लोक में फंसे तो हमने ये कर्म करने पड़े, इनके बिना मोक्ष और साधना नहीं बन सकती। इसका भाव ये है कि ये कर्म समुदाय को तू इस ब्रह्म से उत्पन्न जान, इस काल के द्वारा ये कर्म विधि विधान बनाया गया है यहाँ का, और ब्रह्म कार्थी ने वेद कर दिया, नहीं यहाँ लिखना था ब्रह्म को यानी सर पुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। अक्षरम अक्षर उद्भवम यानी इस ब्रह्म को, ये गलत लिखा है इन्होंने, ब्रह्म लिखना था ब्रह्म को सर पुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, ये ओनली ब्रह्म नहीं है, इसके साथ परम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में वो परम अक्षर ब्रह्म ही इष्ट रूप में पूज्य है, सबका वही प्रतिष्ठित है, पूज्य है। अब ये दास आपको फिर बताएगा इसको, जब समझ में आओगी, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, ये दास इसका आध्यात्मिक टीचर है, और टीचर वही होता है जो बच्चों को उंगलियां पे गिनवा दे और पूरा सिलेबस याद करा दे, सिलेबस से बाहर जो पढ़ाता वो उनका नाशक है जीवन का। अब आपने देखा कि संसार रूपी वृक्ष की हम जड़ की पूजा करेंगे तो बड़े होगा पेड़, बड़ा होकर टहनिया के फल लगेंगे तीनों देवताओं के, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के। अब इसमें क्या बताया है, तीसरे अध्याय में 10वें 11वें श्लोक में कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो जिससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, और उस यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता शास्त्र अनुकूल साधना से मूल की पूजा करने से, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजा करने से, वो संसार रूपी वृक्ष के बढ़े हुए देवता यानी बड़े होकर के उपटैनी बने हुए बड़े बड़े बढ़ कर वो फिर तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। अब ये निष्कर्ष आपके समझ में आया, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सबके ऊपर वो कंट्रोलर, उसकी वो सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो ही प्रतिष्ठित है, यानी वो ही आदरणीय है, वही पूज्य है, उसी की पूजा करो, और उसकी मूल रूपी संसार रूपी वृक्ष के मूल की जो मूल है उसकी पूजा करने से ये तीनों गुण रूपी देवता, बड़े हुए देवता, ये शाखा बड़ी होकर के आपको बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हमने ये पौधा बोया, देखिएगा ये शास्त्र अनुकूल अनुसार साधना हमने की, ये इसी है पूजा की, तो क्या होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, फिर ये पेड़ बन जाएगा, ऐसे ये पेड़ बन गया। अब यहाँ ये बड़े हुए देवता, ये यज्ञ से शास्त्र अनुकूल साधना से पूजा से बढ़े हुए देवता, ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, आपके भक्ति क्रम बन के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, क्योंकि यहाँ के ये कैसियर समझो, फिर ये बिना मांगे देंगे, लद पद हो जाएंगे ये शाखाएं, अपने आप तोड़ो और खाओ, खुद भी खर्चो औरों को भी खिलाओ। आप देखना, फिर एक सेकंड आपको दिखाते हैं, यही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यही तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अब 10वां है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना से वृद्धि को प्राप्त हो, अपने शुभ कर्मों को बढ़ाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हों। ये 5 यज्ञ होती हैं जो दास आपको बताएगा।
ग्यारहवें में कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी मूल की पूजा करोगे जड़ की, तब वो देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा उन्नत होंगे, वे देवता तुमको उन्नत करें, फिर वो तुम्हें फल देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। बारहवें में कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, अब यज्ञ से क्यों कर बढ़ाए हमने, ये आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की यानी पौधा समझो, उस पौधे को पेड़ बढ़ाने के लिए हमने मूल की पूजा की, परम अक्षर ब्रह्म की साधना की, और उसकी पूजा में ये सारा ही प्रोसेस आता है। जैसे आपको बताया कि जैसे हमने आम खाना है उसके लिए मजदूरी करनी है, चाहे टोकरी मिट्टी डालनी पड़ो, कितने ईंट भी उठा कर डालनी पड़े, कितने वो मसाला भी सिर पे ढोना पड़े, कस्सी से भी कार्य करना पड़े, ये सारा ही मिला करके आम प्राप्त करने का प्रोसेस है। तो ये सारी ही जो साधना है मजदूरी है, ये उस परम पिता परमात्मा के पाने की है। तो हम मूल की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए ये सब साधनाएं कर रहे हैं, तो फिर ये शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं। इससे फिर ये संसार रूपी वृक्ष की टहनियां शाखा बड़ी बढ़ेंगी, बड़ी हो जाएंगे, पेड़ बन जाएगा, फिर ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे, ये इसका निष्कर्ष है। आगे देखो तीसरे अध्याय का बारहवें श्लोक में कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए, यानी फिर साधना में धर्म नहीं लगाता है, बिना दिए ही भोगता, तो वो तो चोर है भगवान का, वो फिर बहुत दुखी होगा जो दान फिर नहीं करता, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता। अब फिर क्या बताया कि ये है तीसरे अध्याय का अब तेरहवां श्लोक, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अपना आत्मा विचार करो, इसमें यह है कोड वर्ड, यह है सदग्रंथ, अरे इनको ये नकली संत क्या समझे जी, नास्तिकों ने बेरा, हमारे पुराणों में गीता में क्या लिखा है, जिसके पास जब तक सृष्टि रचना आपके हृदय में नहीं उतरेगी तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को ना समझ सकते और ना ही सुन सकते। अब ये सृष्टि रचना आपको बार बार सुनाई जाती है, वो परमेश्वर ने जिसने सृष्टि रची, कबीर परमेश्वर ने जुलाहे धानक ने काशी में आकर बताई थी, और वो दास आपके सामने बता रहा है, उस परमात्मा के द्वारा बताया गया ज्ञान, दास का अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं है, एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं है, कोई नो के ये नकली संतों के गुरु। अब जैसे ये है शास्त्र अनुकूल साधना, और इसमें आप यहां देख रहे हो 500 यज्ञ कराई जाती है आपसे, एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ज्ञान की है। तो जो परमात्मा ने विधि बताई थी पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले, वही दास आपके रूबरू करा रहा है। इन नकली संतों ने इस साधना से दूर कर दिया हमारे को, इन्होंने अपना लोक वेद सुना दिया, तो इनके पास ये यथार्थ मंत्र थे नहीं, सारी साधना नहीं थी। अब जैसे किसी ने तो इस पांचों यज्ञों में से एक हवन यज्ञ सेलेक्ट कर ली, और उसी में प्रभु पाक आचार्य पाक के घर घर जाकर भटवाड़ कर स्वाहा स्वाहा लोग दिखावा ड्रामा कर कहने का हो गया भक्ति। ये तो एक पार्ट है एक राम नाम की गाड़ी में, और एक छोटा सा पार्ट भी ना हो, जैसे चार पहिए होते हैं, एक व्हील भी ना हो उसमें तो यूजलेस है वह पूरी बनी बनाई गाड़ी, और एक पहिया ने निकाल के कोई घुमा रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई हर्र, तो वो भी मूर्ख है, वो बालक होता है साथ है। तो ये कोई तो एक हवन यज्ञ कर रहा है, कोई केवल किधर जाकर भंडारे करवा देता है, कोई किधर छोटी मोटी कथा वाचन कर देता है, तो ये तो इस प्रकार कोई तो स्टेरिंग कार्ड कर ले रहा है क्या गाड़ी,
और कोई एक पहिया का निकाले फिर इन कोई या कार होगी हैं, तो ये सब पार्ट हैं उसके, और पार्ट भी ये डुप्लीकेट ले रहे हैं, हमारे पास जेन्युइन पार्ट हैं सारे। अब राम नाम की गाड़ी बना के आपको दे दी और देखियो सतलोक जाकर छोड़ देगी। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले साधु संत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनात्मा तीसरे अध्याय के 14 और 15 मंत्र में ये भी स्पष्ट किया है कि इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो परम अक्षर ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही पूज्य है। अब उसको सबसे पहले उस परमात्मा को भोग लगाकर यहाँ आपको ये प्रसाद बांटा जाता है, ये हलवे का पहले परमात्मा को भोग लगता है, पूरे भंडारे का सबसे पहले मालिक के नाम से निकाला जाता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के नियमित भोग लगाया जाता है, उसके बाद ये सब प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद फिर आपको बांटा जाता है। तो वो प्रसाद आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होगी, और शास्त्र अनुकूल साधना होगी तो यज्ञ के साथ साथ मंत्र भी होंगे। तो उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को, जैसे भगवान को भोग लग गया फिर भंडारा शुरू करते हैं, जैसे ये क्योंकि वहां जो परमात्मा का भोजन तैयार होता है सबसे पहले मालिक के लिए निकाला जाता है सतपुरुष के निमित्त, और फिर आपको भंडारा सुबह कराया जाता है, उसके बाद फिर परमात्मा का ये कड़ा प्रसाद है, इसका भोग लग लिया मालिक को, अब आपको वितरित किया जाएगा। कहते इस अन्न को खाने वाले भी सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सर्व पाप से कैसे होगे? केवल यज्ञ से सर्व पाप नाश नहीं होते। यज्ञ क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। और यज्ञों का कार्य कितना है? जैसे ग्लूकोस होता है, और ग्लूकोस केवल सपोर्ट बहुत करता है ट्रीटमेंट में, लेकिन वो रोग नाशक नहीं होता। तो यहाँ 5 यज्ञ किए जाते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर भंडारे चलते हैं परमात्मा के, दिन रात सदा व्रत है कबीर भगवान का, यहाँ पर चल रहा है। दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान का अर्थ संत मते में हठ योग नहीं है। मेडिटेशन मीन हठ योग नहीं होता, मेडिटेशन मीन ध्यान। जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत परितम में ऐसे ध्यान लगावे। हमारा जो मेडिटेशन है ऐसा है कि जैसे लड़की का अपने ससुराल से घर आ जाती है तो उसका वो घर पे रहती है, लेकिन शर्म के मारे वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, लेकिन उसका ध्यान अपने पति के अंदर रहता है और वहाँ की गतिविधियों में रहता है। वो सारी क्रियाएं जो वहाँ पर खेत में, घर में, मजदूरी दुकान में, जहाँ भी वो किया करती थी, वो सारा ध्यान उसको आता रहता है। तो वो दैट इज मेडिटेशन। एक पल भी ध्यान नहीं हटता। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो उस टेंशन हुआ एक पल भी नहीं हटती। तो हमने इस राम नाम के जाप की टेंशन बनानी है। दिस इज शब्द सुरत अभ्यास, यू है शब्द सुरत प्रैक्टिस। ये हठ योग करके कमरे में बैठ गए, कान बंद करके 2.5 घंटे बैठे, ये नहीं है शब्द सुरत। यानी जो मंत्र गुरु जी ने दिया है वो अक्षर है, वो शब्द है, और उस शब्द के ऊपर ध्यान रखे तू के जाप करे है। तो ये है सुरत और शब्द का अभ्यास, इसको दृढ़ करना है ताकि मन ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पर लगे। तो और वो ध्यान जो उसका हमारा मेडिटेशन क्या है? परमात्मा का चिंतन करते रहना भी एक ये ध्यान है, मेडिटेशन है। जैसे आप किसी काम में लग रहे हो, आजकल तो मानसिक काम घना हो गया क्योंकि काल ने तो ये खूटा ठोकना था। पहले शारीरिक काम होते थे, मानसिक काम तो कुछ लोग होते थे जो छोटे मोटे अफसर होते जो एकाद, बाकी सब अपना शारीरिक काम करते थे, किसान खेत का मजदूर अपना काम करता था। यानी इस प्रकार वो काम करते करते आप सिमरन कर सकते हो। हाली हल जोतता है, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो इस प्रकार हमारा मेडिटेशन जो है
ये सहज समाधि बोलते हैं इसको, सहज समाधि, चलते फिरते उठते फिर चलते मालिक को भूल ना पड़े उसमें ध्यान लगा रहे, ये हमारा सिंपल मेडिटेशन संत मते का है। तो ये ध्यान यज्ञ यानी घर जाते हो वहां भी मालिक की याद, वापस आने के लिए कई दिन पहले आप चेष्टा करते हो, अपने काम को सेटिंग करते हो वो भी भगवान के चरणों में ध्यान है, और किसी को समझाने चलते हो तो मालिक में ध्यान, तो ये हमारा मेडिटेशन। तो यहाँ आने वाले को रह रहकर भगवान की याद दिलाई जाती है, आप सत्संग भी सुनते हो रह रहकर भगवान के गुणों का, आपको ध्यान भी आ रहा है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर हवन यज्ञ चलता है, जितने भी पाठ होते हैं वो और साथ में अन्य कुछ ज्योति जलाई जाती है, उतनी ही ज्योतियाँ यहाँ पर लगभग 5-6 क्विंटल, कई बार कम भी हो जाते हैं ज़्यादा भी हो जाते हैं, इतना क्विंटल गाय और भैंस के देसी घी का हवन होता है 15वें दिन। तो ये हवन जो है लकड़ी से करने की अपेक्षा, वेदों में भी स्पष्ट किया है कि ज्योति यज्ञ लिखा वेदों में, ये लकड़ गेर के बठबाड़ के हवन करना वेदों में नहीं लिखा, इन्होंने वेदों की आड़ में सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी अपने को। वेदों में ज्योति यज्ञ बताया, ज्योति यज्ञ क्या होता है, एक ज्योत लगाओ रूई की, 100 ग्राम रूई से आप ज्योत बना बना के 5 क्विंटल 6 क्विंटल हवन कर सकते हो घी, हम यहाँ करते हैं, और 5-6 क्विंटल हवन को उन दूसरे तरीके से करें तो कम से कम भी 20 किलो लकड़ी तो जरूर फूकड़ी पड़ेंगी, 40 किलो वैसे फूकड़ी पड़ जा, तो उस 40 किलो लकड़ी ने फिर प्रदूषण फैलाया, और 100 ग्राम रुई का प्रदूषण 40 किलो लकड़ी का प्रदूषण 100 गुना ज़्यादा हो गया। तो जो परमात्मा ने विधि बताई इन नकलियों ने उसके विपरीत हमें समझा दिया, सारा उल्टा दृढ़ कर दिया। तो हम ऐसा ज्योत करते हैं, और पहले हमारे पूर्वज, पहले आपने देखा होगा घर घर में ज्योत जला करती, अब ये अमर ज्योत जलानी है खड़ी, पहले हम ऐसी जलाते थे वो देवताओं की होती थी। तो जैसा भी था हवन तो करते थे, उससे लाभ तो होता ही था जो हवन यज्ञ का है। इन नकली पंथों ने, काल के दूतों ने, राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये सारे बाल योगेश्वर, ये तेरे सारे सतपाल वाले पंथ, इन्होंने ये थोड़ा बहुत ये हवन का होता था लाभ वो भी बंद करवा दिया, इन्होंने ना ज्योत नहीं लानी, अंदर ज्योत जलावेंगे, अंदर ज्योत जला ली उसे शिवदयाल ने, बुकी में बैठा है वो भूत बनकर, वह जला दी ज्योत, अब थोड़ा बहुत लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया, अब कति नास्तिक बना दिए, भक्तिहीन बना दिए भगवान का नाम लेकर। तो ये काल के दूत थे, ये उसी का रोल कर रहे थे महात्मा बुद्ध जैसा, और कुछ दिनों के बाद पुण्यात्मा जब दया ना करते परमात्मा, सारा विश्व नास्तिक हो जाता, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता। अब पूरे विश्व आस्तिक होगा भगवान के, वो देखोगे आप चमत्कार, इनके आंखें फटी रह जाएंगी वैज्ञानिकों की कि भगवान क्या कर सकता है, ये खक भी नहीं इनके पल्ले, और इन्होंने कोसों दूर कर दिया जीव को भगवान से, गॉड गिवन मटेरियल से, उसके ऊपर अनुसंधान करके हैं और डिस्कवरी करके ये बन गए, नहीं हो भगवान है ही नहीं। तो ये अज्ञानता के कारण ही हम दूर होते जा रहे थे। तो अब आपने जो दास बताना चाह रहा था, और फिर पांचवी यज्ञ है ध्यान की, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, संत मते में दंडवत प्रणाम है, राधा स्वामी में राधा स्वामी ऊपर न उठ की तरह मुकर के, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, अरे नमन होना चाहिए, दंडवत प्रणाम होनी चाहिए, और ये नमस्ते चाली, नमस्ते नो करे अगर नमस्ते जब रन थप्पड़ दिखावे है कि नमस्ते करे है, नमस्ते का अर्थ ये होता है नमस्ते, ये मैं सिद्धांत ने चलाई नमस्ते नमस्ते करे, यो नमस्ते हुआ, नमस्ते नहीं हुआ अग्रे, मैं तुझे नमन करता हूँ। और दंडवत प्रणाम होती है संतों की, इससे अहंकार नाश होता है, अहंकार के नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता, अहंकार कर और भगवान का एक्सीडेंट है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रावण ने अभिमान किया, भक्ति भी करी, खख नहीं मिला उसको, विभीषण ने सत भक्ति की क्योंकि परमात्मा मुनिंद्र नाम से आए थे, और विभीषण को वो राज्य भी प्राप्त हुआ,
आधीन व्यक्ति को परमात्मा कहे, आधीन को मैं सब कुछ दे दूंगा, मोक्ष भी दूंगा, लेकिन हमने यहाँ की वस्तु तो चाहिए नहीं, हमें तो पीछा छुटवाना है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने से हमारा अहम खत्म होता है। हम जीव हैं और हम अज्ञान के कारण अंडी पा के गए हैं, अभिमान करते हैं और थोड़ी सी ऊंच पोस्ट हो जा हमारी सौ पर सुई आ जाती है, इतने अभिमानी हो जाते हैं। थोड़ा सा धन हो जाए दूसरे को कुछ नहीं समझते, हम अपनी जीव संज्ञा को भूल जाते हैं। सत्संग से हमने अपनी औकात का ज्ञान होता है, हम जीव हैं। एक मिनट में अदरंग मार दिया आदमी को, मुंह में कमाखी पड़े और लकड़े न्यू पड़ा रहे मुँह करें, अब कहाँ गया हुआ अभिमान। तो हमने सबसे पहले अपनी इस मिट्टी को मिट्टी समझना है और दंडवत करनी है ताकि भगवान निकटावे हमारे। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, ये अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। इसकी जानकारी से आपको पता चलता है कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए। अब जैसे अध्यात्म ज्ञान से हमें ज्ञान होगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर पूरी विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई है। और फिर 33वें श्लोक में चौथे अध्याय के में कहा है कि इस दर्वमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। और फिर आगे कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि ज्ञान यज्ञ उस दर्वमय यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब दर्वमय कौन सी यज्ञ है, जो धन से होती है। धन से जैसे किधर भंडारा कर दिया गंगा के किनारे जाकर, किधर कोई मंदिर का लठ कटवा दिया मंदिर बनवा दिया है, किधर कंबल बांट दिए, कहते हैं ठीक है जैसे तुम करते हो उसका फल तो सबको मिले ही मिलेगा, जो भी कोई बुरा या अच्छा जैसा भी कर रहा, ये तो नियम है, लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हो व्यर्थ है। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कि पहले ज्ञान सुने, अबंध अधूंध किता मंदिर बनवा दिया, किता भंडारे कर दिए, किता कंबल बांट दिए, इसकी बजाय पहले ज्ञान समझ और फिर तत्व ज्ञान की रोशनी में शास्त्र अनुकूल दान धर्म कर। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी दान आप करते हो व्यर्थ है, अपने आत्माओं। यहां पर पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जैसे यज्ञ और फिर यज्ञों के साथ साथ वो यथार्थ मंत्र, ये कंप्लीट कोर्स है जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का। अब जैसे ये सही मंत्र मिले नहीं, 3 मंत्र का जाप जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा, ये बिल्कुल निष्कर्ष है। और फिर इसके साथ ऑप्शन भी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत कंप्लीट कोर्स बताओगे, मैं नहीं जानता इसके विषय। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अब इन धार्मिक अनुष्ठानों से भी पूर्ण लाभ नहीं, क्योंकि ये तो केवल उस ग्लूकोज का कार्य करेंगे और ग्लूकोज रोग नाश नहीं करता, वो केवल सपोर्ट देता है उस रोग नाश में, शरीर को पानी की पूर्ति करता है यानी बहुत सहारा देता है। उसके साथ साथ फिर अन्य टेबलेट होते हैं रोग विशेष की, उनसे टेबलेटों से फिर नाश होगा। तो जैसे ये पांचों यज्ञ समझो ग्लूकोज है और ये यथार्थ मंत्र जो आपको दिए जाते हैं सभी, ये आपके कोई कैप्सूल है, कोई पीने की दवाई समझ लो, कोई टेबलेट है, इंजेक्शन है, ये सारा कंप्लीट कोर्स है, इससे आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा।